गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आवर साइंस लेसन चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। लेसन नेम इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। जैसे अपन देखे, फर्स्ट चैप्टर का नाम ही आपका है मैटर इन सराउंडिंग। सबसे पहले अपन देखते हैं सराउंडिंग। व्हाट डू मीन बाय सराउंडिंग? सराउंडिंग मीन्स दैट हमारे चारों ओर, आप आपके चारों ओर क्या क्या चीजें देख रहे हैं। जैसे अभी स्थिति में हम हमारे चारों ओर हम अपना मोबाइल फोन देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, स्टूल देख रहे हैं, कुर्सी देख रहे हैं, रूम देख रहे हैं, रूम में लगे पर्दे देख रहे हैं, आपका पेन देख रहे हैं, कॉपी देख रहे हैं, दीवार देख रहे हैं, छत देख रहे हैं, पंखा देख रहे हैं, इच एंड एवरीथिंग, जो जो भी चीज दिख रही है वो सब हमारी सराउंडिंग है। आप रूम से बाहर जाते हो, कहीं बाहर गार्डन में जाते हो, तो चारों तरफ आपको पेड़ पौधे दिखते हैं, घास दिखते हैं, पशु पक्षी दिखते हैं, ये सब हमारी सराउंडिंग है। हमारे आसपास जितनी भी दिखने वाली वस्तुएं हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो सब कहलाती है हमारी सराउंडिंग। महसूस करना इन द सेंस, जैसे हवा चल रही है, हवा हमको दिखती है क्या? नहीं, हम हवा को फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो भी हमारे और सराउंडिंग है। तो जो जो भी वस्तुएं हमारे चारों ओर पाई जाती है वो होती है हमारी सराउंडिंग, जो हमको चारों ओर दिखाई देती है, ठीक है। और लेसन का नेम है मैटर इन सराउंडिंग। मैटर, मैटर इन सराउंडिंग के हमारे चारों ओर कौन कौन से मैटर पाए जाते हैं? डू यू नो मैटर? मैटर अपने पास थ्री टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। थ्री टाइप्स के मैटर हो गए, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, ये सब कहलाते हैं मैटर। अब मैटर होता क्या है, क्या है ये सॉलिड लिक्विड गैस, क्यों सॉलिड होती है कोई चीज, कोई चीज लिक्विड क्यों होती है, कोई चीज गैस क्यों होती है, क्या बेसिक डिफरेंस होता है सॉलिड लिक्विड गैस में, ये मैटर का कॉन्सेप्ट आया कहां से, ये सारी चीजें हम जानने के लिए हम पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास का जो साइंस है चैप्टर फर्स्ट मैटर इन सराउंडिंग। आप सभी को जो बुक दिख रही है यहां पर, ठीक है, सभी को बुक दिख रही है, थोड़ा सा अपन बुक का व्यू अपन बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, आप सभी को बुक बहुत ही क्लियर दिख रही होगी, ठीक है। अपन यहां से थोड़ा सा उसको अपन रीडिंग लगाते हैं। एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग We see a large variety of things with different shape, sizes and textures. Everything in the universe is made of material which scientists have named matter. हम हमारे चारों ओर कई प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, कुछ बहुत बड़ी होती है, सबके शेप अलग है, कुछ छोटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर की, सभी चीज कैसे मिलकर बनी होती है, मटेरियल से बनी होती है। उसके अंदर कुछ रॉ मटेरियल होता है, कुछ मटेरियल होता है जिससे वो बनी होती है, और जिससे वो बनी होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, मैटर। द एयर वी ब्रेथ, जैसे हम सांस लेते हैं, वी फूड इट, हम फूड मील्स खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स, एनिमल एंड इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। जो फूड आइटम हम खाते हैं, ब्रेथ जो हम सांस लेते हैं, एयर, स्टार्स, क्लाउड, प्लांट्स, स्टोन, एनिमल, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, ऑल थिंग्स आर मैटर। ये सारी थिंग्स मटेरियल से बनी होती है और उस मटेरियल को अपन बोलते हैं मैटर। वी कैन ऑल्सो सी, वी लुक Around that, all the things mentioned above occupy space and have mass. In the other word, they have both mass and volume. हम हमारे चारों ओर कई प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। आपका मोबाइल फोन देख रहे हैं, आपकी टेबल देख रहे हैं, आपका पेन है, आपकी बुक है, सॉरी, आपकी बुक है, आपका फैन है, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है वो सब क्या मैटर है। वो क्या कर रहे हैं, स्थान घेर रहे हैं, कुछ ना कुछ वॉल्यूम उनका है, वो स्थान घेर रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ वजन है, उनका मास है, उनका वॉल्यूम है, और क्या करते हैं वो, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं।
क्या करते वो स्पेस ऑक्यूपाई करते। जैसे ये मेरे पास मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन कुछ ना कुछ वेट है इसका, इसका वजन है। अब देखिए इसका कोई वेट होगा, ये स्थान घेरता है, कहीं पे भी रखेंगे तो स्थान घेरेगा, ठीक है। ये क्या हो गया अपने पास, मैटर हो गया है। अब अपन बात करेंगे वॉल्यूम। व्हाट डू मीन बाय वॉल्यूम सर? जैसे अपन दूध लेते हैं, दूध क्या करता है, जिस बर्तन में रहता है उसका शेप वो ले लेता है, उसने स्थान घेरा है, वो लिक्विड है इसलिए उसका वॉल्यूम होता है। लेकिन सॉलिड वस्तु को जहां आप रखोगे वहां पर उतना स्थान वो घेरेगी, ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं द थिंग्स दैट दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। सिंस अर्लियर टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंडिंग देयर सराउंडिंग। प्राचीन काल से, इनिशियन टाइम्स, मनुष्य क्या कर रहा है, हमारे चारों ओर का जो सराउंडिंग है उसको समझने की कोशिश कर रहा है कि हवा कैसे आती है, ये पेड़ कैसे ग्रो करते हैं, ये किससे बने होते हैं, ये सारी चीजों को अर्लियर व्यक्ति या अर्लियर ह्यूमन बींग्स जो है वो उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। अर्लियर इंडियन फिलोसोफर क्लासीफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व। पंच तत्व कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अर्लियर इंडियन फिलोसोफर, भारतीय फिलोसोफर जो दार्शनिक थे, देखिए दो चीजें होती है, एक अपने पास वर्ड आया यहां पर फिलोसोफर, और एक वर्ड आएगा अपने पास साइंटिस्ट। दो वर्ड है, एक फिलोसोफर है, एक साइंटिस्ट है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट, डू यू नो हु इज द फिलोसोफर? फिलोसोफर क्या काम करता है, क्या होता है फिलोसोफर? फिलोसोफर का हिंदी मीनिंग होता है दार्शनिक। दार्शनिक मतलब जो दर्शन कराता है, दर्शन करने इन द सेंस, जैसे हमको यह बोल दिया गया है, दार्शनिक हमको यह बोलते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, उन्होंने कल्पना करी, हमको एक दर्शन दिया है कि पृथ्वी क्या है, एक बॉल के आकार की, गेंद के आकार की, उन्होंने दर्शन करके बताया, उन्होंने कल्पनाओं के माध्यम से ही हमको एहसास कराया कि हमारी पृथ्वी गोल है। कब? अर्लियर टाइम, इनिशियन टाइम, जब किसी ने चंद्रमा पर जाकर, या ऐसा कोई फोटोग्राफ नहीं था जो कि अंतरिक्ष में जाकर हमारी पृथ्वी का फोटो खींच सके। कैसे अनुभव कराया? जैसे सपोज करो उन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी सपोज करो इस प्रकार से प्लेन है, प्लेन है तो हम धीरे धीरे यहां पे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हम इससे नीचे गिर जाएंगे। नदी बह रही है, बह रही है, बह रही है, भरी है, वो पानी यहां पे नीचे गिरना चाहिए, कहां गिरना चाहिए हमको समझ में नहीं आ रहा कहां गिरेगा पानी। तो आज मनुष्य नीचे नहीं गिर रहा है, इन द सेंस हमारी पृथ्वी क्या है, गोल। ये किसने कहा? फिलोसोफर ने। फिलोसोफर ने कल्पना करी, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा, केवल एक कल्पना के माध्यम से हमको ये बात समझा दी गई है कि हमारी पृथ्वी गोल है। या फिलोसोफर क्या करते हैं, कोई भी चीज को एक समझा देते, कल्पना कर देते हैं, कल्पना के माध्यम से हमको अंडरस्टूड करवा देते हैं कि यह चीज ऐसे होगी। लेकिन साइंटिस्ट हर चीज को प्रूव करते हैं। जैसे वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है 2:1, उन्होंने प्रूव करा है कि दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के लिए टू एटम्स हाइड्रोजन के लिए वन एटम ऑक्सीजन का लिया, दोनों को आपस में उन्होंने कंबाइन कराया तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना। ये प्रूव करके बताया, कोई भी चीज जलती है, किसी भी चीज को अपन बर्न करेंगे तो वो क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी। ये प्रूव करा गया, हर चीज प्रूव है, ठीक है, ये सब बातें प्रूव करी गई। जो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं। तो अपन टॉपिक पे आते हैं। सिंस अर्लियर टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, अर्लियर इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट। हमारे प्राचीन जो फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि सारी वस्तुएं जो है इस पृथ्वी पे जितनी भी चीजें हैं वो पांच तत्वों से मिलकर बनी होती है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर हवा, पृथ्वी, आग आकाश और पानी। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नीविंग लिव
एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु जो है इस पृथ्वी पर प्रत्येक चीज जो है वो या तो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग आर मेड अप ऑफ दिस फाइव बेसिक एलिमेंट चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो वो थिंग्स जो है इन पांच एलिमेंट कौन कौन से हैं एयर अर्थ फायर स्काई और वाटर से मिलकर बने हुए एनिशियंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एक ग्रीक के इनिशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे उन्होंने भी अपना एक क्लासिफिकेशन दिया लेकिन क्या हुआ बाद में मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट जो आए हैं उन्होंने दो चीजों के ऊपर इनको क्लासिफिकेशन करा है मैटर का जो कि बेस्ड होता है फिजिकल और केमिकल नेचर के ऊपर ठीक है ये फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर क्या होते हैं ये अपन देखते हैं ठीक है फिजिकल नेचर की बात करें अपन